सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम सिंपल ब्लॉगर थीम को एक प्रोफेशनल ब्लॉगर थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नहीं आए थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको एक वेबसाइट दिखा रहे हैं, soratemplates.com की ये वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड करें, तो आप गूगल में आराम से जाकर फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स टाइप करेंगे और आप जाकर ब्लॉगर टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे सबसे guyabittemplates.com है, btemplates.com है, इन सब से आप टेम्पलेट्स डाउनलोड करके, जिस तरह से मैं अपने पास लगा रही हूँ टेम्पलेट, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए टेम्पलेट्स को लगा सकते हैं। सोरा टेम्पलेट्स के साइट के अंदर मैं इजी कार्ट के थीम को डाउनलोड करूँगी। ये मैंने इसको क्लिक किया, और आप इस थीम के फीचर्स को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, फ्री वर्जन के अंदर कौन से अवेलेबल हैं और कौन से अवेलेबल नहीं हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड नाउ को आप क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आपका ये डाउनलोड कंप्लीट होता है, इसको आप शो इन फोल्डर कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, आप शो इन फोल्डर करिए और ये आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गया है। इसको डबल क्लिक करने के करके आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट टू के ज़रिए आप इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपका ये फोल्डर आ गया है इजी कार्ट का, ठीक है। डबल क्लिक किया इसको, यहाँ पर आप देखेंगे एक XML फाइल है। इस XML फाइल को हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद नोट पैड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी कोड है, इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। अब अपने ब्लॉगर की थीम पर जाइए। थीम के ऊपर जाकर आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन देखेंगे, इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर एडिट HTML पे क्लिक करें। यहाँ पर जो भी कोड आ रहा है, इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए और कंट्रोल वी करके वो कोड जो कॉपी किया था पेस्ट कर लीजिए। इसको सेव कीजिए और ये प्रोसेसिंग करके दिखा रहा है। जैसे ही प्रोसेसिंग फिनिश होगी, आपकी थीम अपडेट हो जाएगी। मैं अपने पेज को रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी थीम अपडेट हो गई है और वो जो हमारा लुक आ रहा था पेज का, अब सिंपल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल लुक आ गई है। तो दोस्तों, ये था थीम लगाने का तरीका। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से इसे मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।